अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुनेद अमजद और मैं आपको अपने चैनल ट्रैवल सर्विसेज दीना में वेलकम करता हूं। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सऊदीया से रिलेटेड है। ऐसे पैसेंजर जो रेड लिस्ट कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरे होटल में 14 डेज़ का कंटेन करके काबुल या बिश्केक वगैरह या श्रीलंका या ऐसे ममालिक जो इस वक्त रेड लिस्ट में शामिल नहीं है सऊदीया की लिस्ट में, तो जहाँ से ये लोग ट्रैवल करेंगे उनके लिए जो है वो वैक्सीन अगर उन्होंने लगवा लिया है, दो डोज उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो सऊदीया में उनको होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने आपको रजिस्टर करना है eservices.mos.government.sa। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे कि आपने वैक्सीन लगवा ली है और कौन सी लगवाई है। आपने अपने आप को ट्रैवलिंग से पहले आपने रजिस्टर करना है ताकि आप सऊदीया में होटल क्वारंटाइन से बच सकें। तो उसके लिए इस जो है जो ई सर्विसेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप इसको जो है वहाँ से ओपन करके अपने आप को रजिस्टर कर लें, अपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। तो इसमें क्या मैं आपको बताऊंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है रजिस्टर होने के लिए, वो मैं आपको इसमें लिखा भी हुआ है लेकिन मैं आपको रैंडमली जल्दी से बता भी देता हूँ। सबसे पहले है जी आपका सऊदीया का जो नेशनल आईडी या रेजिडेंस आईडी है, ये आपके पास होना लाजमी है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपके जो है वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज़ 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और जो है वो आपका जितना भी पर्सनल डाटा हो वो सर्टिफिकेट फॉर्म की सूरत में होना चाहिए, और वो इंग्लिश या अरबिक फॉर्म में होना चाहिए। उर्दू आपकी या हिंदी या उर्दू ज़ुबान में वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, इंग्लिश या अरबिक फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो वैक्सीन आपने लगवाई हुई है उस पर जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका नाम होना चाहिए, किस डेट को लगवाई है वो डेट मेंशन होनी चाहिए, और रेफरेंस नंबर या बैच नंबर जो होता है ये मेंशन होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होंगे फॉर अपलोडिंग के लिए वो होगा आपकी पासपोर्ट की कापी है, कामे की कापी है, और वैक्सीन सर्टिफिकेट है। जो वैक्सीन जो सऊदीया ने इस वक्त अप्रूव की हैं उनमें मैं आपको उनके नाम जो है मैं बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है पीफाइज़र है, मॉडर्ना है, और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका है। नंबर 4 पे है जी जॉनसन है, और नंबर 5 पे है सैनोफार्म है, और नंबर 6 पे है सैनोवैक है। ये इसमें से अक्सर जो हमारे एशिया में जो है सब कॉन्टिनेंट में जो यूज़ हो रही है पीफाइज़र भी लग रही है, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका भी लग रही है, सैनोफार्म तो चाइनीज़ ये भी लग रही है, और सैनोवैक भी लग रही है। तो पहले सिर्फ अमेरिकन डोज का ही मेंशन किया हुआ था लेकिन अभी उन्होंने इसके अंदर चेंजिंग कर दी है। 6 वैक्सीन है जो इस वक्त आप जो है वो अगर आपने लगवाई हैं तो आपको होटल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है सऊदीया में। उसके बाद आपने अपने आप को जो है वो कैसे रजिस्टर करना है वो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मैं डाल दूंगा। ये आपने ये लिंक आप देख भी रहे होंगे mukim.sa वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होम, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आप एक नए लिंक की तरफ लेके जाएगा। इसमें आपने टाइप अगर आप विज़िटर हैं और आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो आपने वैक्सीनेटेड विज़िटर पे क्लिक करना है। अगर आप नॉट वैक्सीनेटेड विज़िटर हैं तब भी अगर आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई तब भी आपने इस फॉर्म को फिल लाजमी करना है। अगर आपने नॉट वैक्सीनेटेड विज़िटर पे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप और आप आपकी कैटेगरी विज़िटर की है तो आपने नॉट वैक्सीनेटेड विज़िटर पे क्लिक करना है, और ठीक है फिर इसके लिए आपको होटल क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेडिकल विज़िटर हैं तब भी वैक्सीनेटेड रेजिडेंट हैं, नॉर्मली जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड रेजिडेंट
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सऊदीया का रेजिडेंस परमिट है, इकामा पर इकामा है सऊदीया का, तो आपने वैक्सीनेटेड रेजिडेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इकामा नंबर लिखना है और अपनी बर्थ डेट लिखनी है और लिखना है, इस पर क्लिक करना है, हमारे रिपोर्ट वेरीफाई पे करना है। जब आप वेरीफाई पे आप जब क्लिक करेंगे तो आगे जो है वो आपको नेक्स्ट जो है वो स्टेप की तरफ लेके जाएगा। वहाँ पे आपने अपनी अकामे की कापी भी अटैच करनी है, उसका साइज़ 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट की कापी, पहले पेज की कापी, उसके अंदर जो है वो अटैच करनी है, जो जो वो चीज़ें आपसे मांगेगा वो आपने अटैच करनी है, लेकिन उसका साइज़ 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली ये आपसे मांगेगा पासपोर्ट की कापी और वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो आपने 2 डोज लगवा ली है उसकी PDF फॉर्म में 1 MB से बड़ी नहीं होंगी, साइज़ नहीं होना चाहिए, वो आप अटैच करेंगे तो सबमिट कर देंगे आप, तो 5 दिन के अंदर जो है वो आपको उसका रिप्लाई आएगा, 5 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा। और उसमें अगर आपको वो अप्रूवल मिल जाती है तो फिर उसमें वो लिखा होगा कि आपको होटल कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जब आप आएंगे इमिग्रेशन को आपको ये जो है ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो वो आपको बना के भेजेंगे। वो उसकी कापी जो वो सऊदीया से आपको जो इसके ये रिप्लाई में आएगा वो, और आपको जो मुकीम डॉट पे आपकी जो छुट्टी का जो है वो पेपर है वो आपको मुकीम से जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास, उसको सॉरी उसका भी जो है वो प्रिंट आपके पास होना चाहिए मुकीम का। तो ये इन सूरत में जो है वो आप अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो इस तरीके से आप ये सबमिट करेंगे तो आप होटल क्वारंटाइन से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प की होगी। आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें वीडियो को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।